Assalamu alaikum students, in this video we will talk about some pre-possessive directives that we used in our C language. Because some of the students ask me to why do we use these pre-possessive directives used in our programs. So let's have a look of these. All preprocessor directives starts with hash symbol. मतलब कि जितने भी हमारे पास preprocessive directives होते हैं hash के साथ start होते हैं. ये नीचे कुछ इनकी examples दी हुई हैं जो स्पेशली हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं. सो इनको हम वन बाय वन देखेंगे. हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन, इफ डिफाइन, इफ एंड डिफाइन, व्हाई वी यूज इफ, एल्स और एल्स इफ, एंड इफ एंड एरर एंड प्रोग्राम. So let's have a look of these one by one. The function like macros looks like function to function call. For example, जैसे कि हम hash define लिखते हैं कुछ specific चीज़ों को define करने के लिए, कुछ जो हम variables ले रहे हैं, यहाँ पे एक function ले रहे हैं minimum of a and b. हमें यहाँ पे एक statement लगा रहे हैं ए, मतलब जो एलिमेंट ए है इज लेस देन एलिमेंट बी. मतलब ये हम बाद में आगे जाके देखते हैं. मिन क्या चीज़ है? इट इज़ अ मैक्रो नेम है. ये जो जहाँ पे हम मिन यूज़ कर रहे हैं, एम आई एन, मिन ऑफ ए एन बी. सो मिन असल में एक मैक्रो नेम है, ठीक है. तो फॉर डिफाइन, फॉर हैश डिफाइन, हैश डिफाइन जो है ये हम ऑब्जेक्ट लाइक और फंक्शन लाइक मैक्रोज होते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोज आ जाते हैं, मतलब जो पहले से डिफाइन होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपके जो कंपाइलर है उसके अंदर. एनसीसी जो है ये सी लैंग्वेज के से पहले आई थी. असल में जो सी है वो एडवांस है. NCC defines many predefined macros that can be used in C programming. मतलब कि ये कुछ NCC जो है आपकी, ये जो एग्जाम्पल NCC जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कुछ predefined macros को डिफाइन करती है. That can be used, मतलब जो हमारे C programming language के अंदर इस्तेमाल होते हैं. तो यहाँ पे कुछ macros दिए हुए हैं, उनके नाम हैं और साथ में description दिया है, उनके uses दिए हुए हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हमारे पास date, ये हम किस लिए use करते हैं? It represents current date in minutes, days and years format, in this format, ठीक है. जो ये जो डेट फॉर्मेट है ये किस लिए यूज होता है? कि इस फॉर्मेट के अंदर जो हम डेट, आप हमारे ये जो फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर के, जिस तरह ये आप फॉर एग्जाम्पल वेंसडे है आज, डेट मंथ डेट एंड ईयर. सबसे पहले जनवरी 6 वेंसडे एंड 2021 आएगा फॉर्मेट के अंदर. और जो टाइम है आपका वो क्या आएगा? ये जो टाइम है इट रिप्रेजेंट्स करंट टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. इस तरह ये 7:34 और 19 सेकेंड हो चुके हैं यहाँ पे. तो बिल्कुल इस फॉर्मेट के अंदर आएगा. उसके बाद जो फाइल है, मतलब जो हमारी सी प्रोग्राम के अंदर जो फाइल है हमारी, उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेगा?
मतलब उसकी पूरा फाइल नेम जो है जिस फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर्स के अंदर पड़ी है, हमने उसको रखा हुआ है, मतलब जो फाइल हम रन कर रहे हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेगा फाइल, इट रिप्रेजेंट करंट फाइल नेम। उसके बाद है लाइन, जो मैक्रो लाइन है इट विल रिप्रेजेंट करंट लाइन नंबर। एसटीडीसी क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड इन सी, इट इज डिफाइंड एज वन when compiler complies with the ANSI standards, जब आपका compiler जो है वो NCC standard को fulfill करता है। अच्छा, अब हम एक छोटा सा example program देख लेते हैं। आप भी साथ साथ programming किया करें ताकि इससे इंसान को काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है। मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल, और हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम किस तरह से इसके ये तमाम जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ये किस तरह से फुलफिल करती हैं, ये जो कुछ भी हैं, ये मैक्रोस जितने भी हैं, डेट, टाइम, फाइल, लाइन, स्टैंडर्ड सी, ये किस तरह से वर्क करती हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। राइट अ सी प्रोग्राम, टू डिफाइन मैक्रोस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है हमारी वो राइट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन int main body। सो हमारा जो क्योंकि ये जो फाइल्स होती हैं ना, मैक्रो फाइल्स हैं, ये प्री डिफाइंड, मतलब पहले से डिफाइन की होती हैं आपके कंपाइलर के अंदर, तो हम जस्ट इनको यूज़ करेंगे और आपका जो कंपाइलर है वो खुद ब खुद ही समझ जाएगा कि इनको उसने, ये कौन कौन सी जो फाइल है उसको उसने क्या करना है, किस तरह से उसको यूज़ करवाना है, प्रिंट करवाना है आपकी स्क्रीन पर। सो लेट्स स्टार्ट इन नाउ, प्रिंट एफ, बाय यूजिंग प्रिंट एफ वी विल print something on the screen, for example std c standard c and by using printf next function हम अपनी जो फाइल है इस प्रोग्राम की जो फाइल है उसको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल वन के नाम से हम इसको या सिंपल फाइल के नाम होगा इस फाइल का, तो ये जिस फोल्डर के अंदर होगी, ये जिस सब फोल्डर्स के अंदर, कौन सी ड्राइव के अंदर होगी, तो वो ये मतलब इस जो स्टैंडर्ड सी है आपकी, सॉरी जो फाइल है, तो उससे आप इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फाइल स्ट्रिंग के लिए एस, जो हम यहाँ पे ऊपर ये जो डी हमने यूज़ किया, ये डिजिट्स के लिए यूज़ किया है क्योंकि इसकी जो आउटपुट थी वो हमें इसमें डिजिट्स में चाहिए, और जो ये स्ट्रिंग है एस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपने परेशान नहीं होना, पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है।
file. Printf. जो हमारे पास थर्ड लाइन है उसमें हम डेट के बारे में लिख रहे हैं कि डेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करवाते हैं, फॉर्मेट किस फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं. ठीक है, ये भी असल में स्ट्रिंग में होगा क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स भी आ जाते हैं और करेक्टर्स भी आते हैं, दोनों चीज़ें. डेट फॉर टाइम इसको भी हम स्ट्रिंग में लिखेंगे. टाइम और एंड पे हम तमाम फंक्शंस को रिटर्न करवा देंगे, हमें जो जो हमें इनपुट चाहिए 10 0 से. जस्ट हम इस फाइल को कंपाइल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपने पास. फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ सिंपल फाइल, सिंपल फाइल. जैसे इसको ये एक ये मिस्टेक थी, ये ठीक हो गई है. तो जैसे यहाँ पे असल में कॉमा डाला हुआ था हमने, तो जस्ट इसको रिमूव किया और ये ठीक हो गया. लिहाजा ये ना तो कोई एरर इसमें आ रहा है, शो हो रहा है, ना तो कोई, ना ही कोई वार्निंग वगैरह है, कोई बग्स वगैरह. जस्ट इसको हम रन करके देखते हैं. ये देखें 7:48 हो चुके हैं एंड 30 सेकेंड्स, मतलब कि उस वक्त हमने इसको रन किया था. तो और जो डेट है, डेट हमारे पास आ रही है वो है डेट जनवरी 6, 6 जनवरी और 2021. जनवरी 6 2021 इस फॉर्मेट के अंदर आ रही है, ये देखें. और जो हमारी सी फाइल थी सिंपल फाइल .cpp, ये कहाँ पे सेव की हुई है हमने, ये इसका ये बता रहा है, जो ये चीज़ बता रहा है ना आपको, फाइल वाला जो था. और ये वन ये क्या बता रहा है, ये इसकी करंट लाइन बता रहा है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.